नमस्कार अनेश में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है द वोटर्स वाइज, उसको लेकर हम अब एक एक करके सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट कर रहे हैं। और आज हम आके पहुंचे हैं माहूर में। आप देख सकते हैं माहूर में थोड़ा थोड़ा हल्का सा बारिश हो रहा है, लेकिन लोगों का हुजूम आप देखिए। एक बार मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग चारों तरफ यहाँ पे, आप देखिए जो लोग हैं एनएच का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। और हम यहाँ पहुंचे हैं माहूर के बिल्कुल हाईवे में हम है। हम एक्चुअली माहूर में हम मार्केट में जाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता चला कि वहाँ का ब्रिज का कुछ इशू है, इसीलिए लोगों को हमने यहाँ बुलाया। और लोग किस तरीके से एनएच को सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से एनएच का जो कार्यक्रम है द वोटर्स वॉइस, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए देखिए। एक बार आपको दिखाएंगे, मेरे दोनों तरफ यहाँ पे लोग हैं, और जहां तक आपको दिखा सके मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, चारों तरफ आपको देखेंगे इतने सारे लोग। और एनएच का ये जो कार्यक्रम है द वोटर्स वॉइस, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग है यहाँ हमें देखने को मिला है माहूर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया माहूर के लोग, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें सहयोग किया है। तो चलिए हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ माहूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फिलहाल के एमएससी है वो है राहुल नाइडिंग, जिसको काफी लोग माइजन के नाम से भी जानते हैं। और वो यहाँ पे 5 साल से यहाँ पे एमएससी है। उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से काम नहीं किया है, इस बार क्या लोग उन्हें फिर से एक बार एमएससी जिताने के लिए क्या रेडी है, तैयार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार आप लोगों से पहले बात करते हैं। आप लोग थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो ये सम्मान माहूर के लोगों ने हमें दिया उसके लिए एनएच का तरफ से सारे माहूर वासियों का हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले कौन बताएगा, कौन बोलेगा आप लोगों की तरफ से, चलिए बताइए। हम लोग का माहूर में, हम लोग का जो पहले जो पुराना एमएससी जो है वो माहूर को डेवलप करने के लिए सोचा था, लेकिन कुछ पावर नहीं मिला, इसलिए पावर नहीं मिला बोल के कुछ करने नहीं सका। लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है उसको। हम लोग छोटा से लेके बुजुर्गों लोग का साथ में वो बैठ के बात करने सकता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ने नहीं चाहेगा इस बार। हम लोग बाकी जो आया उसको हम लोग मालूम नहीं है, पुराना जो हम लोग का एमएससी राहुल नाइडिंग उसको ही हम लोग जिताएगा, उसको एकदम दिल लेके अभी इस बार एक बार और फिर जाने के लिए राहुल हम सोचता है। और फिर अभी ऐसा जो मौका मिला आप लोग मीडिया तरफ से, आप लोग आई के इधर में हम लोग का माहौल का दुख सुख मालूम कराने के लिए जो आया, हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग का तरफ से हम बहुत थैंक्स देते हैं। चलिए ठीक है, तो इनका कहना है कि जो इनका जो एमएससी है राहुल नाइडिंग, उनको ये लोग एक बार फिर से जिताएंगे। इस बार वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पावर नहीं था। कौन जवाब देगा इसका, आप? हाँ बताइए। तो सबसे पहले हम एनएस को अनुरोध करना चाहूंगा, ये अभी हम मेरे तरफ से हम कुछ बोलेगा कि हम लोग का देखो 15 साल हो गया कुछ नहीं बना, डेवलपमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग दिल से जिताया हम लोग का सर महाजन को। अगर हम लोग का जुरिस्डिक्शन में, हम लोग का मोर एरिया में लोकल आदमी अगर आएगा तो हम लोग अच्छा रहेगा बोल के हम लोग दिल से जिताया पब्लिक मिलके, फिर भी तो कुछ नहीं बना। और कुछ कभी हम कुछ जो सर को भी कुछ कर नहीं सकता, महाजन सर भी तो पब्लिक नाराज है इसमें। तो हम लोग इस बार हम लोग माहौल में चेंज लेके आने के लिए हम लोग कोशिश करा बोल के हम लोग अभी हम लोग का महिला प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का प्रोबिता मैडम को हम लोग टिकट मांग रहा है। और मेरा तरफ से हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट को भी प्रोबिता के लिए टिकट दिला जाए, तो हम लोग अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग जिताएगा भी है, और 10% से हम लोग जिताएगा। और हम लोग डेवलपमेंट लेके आने के लिए हम लोग प्रोमिस भी करेगा मैडम से, एना तक है मेरा बात। आपका बात वही है। अब देखिए यहाँ पे जो पता चल रहा है कि इनका अपना जो कैंडिडेट है उनको ये लोग अब जिताने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो राहुल नाइडिंग है, और ये लोग एक्चुअली 15 साल का पूरा बात बता रहे हैं, लेकिन राहुल नाइडिंग को आप यहाँ पे 5 साल ही हुआ है। तो ये एक बात है जो इनका कहना है। आप यहाँ से कोई और बोलेगा क्या, आप बोलेगा, बोलिए। हम है थादुकू की कतरप से हम बोलेगा, माहूर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 3rd नंबर है, 3 नंबर है, ये पॉपुलेशन भी 3 नंबर का है। इसमें हम लोग 2019 में राहुल नाइडिंग को बीजेपी का टिकट लेके हम लोग जिताई के काउंसिल में भेजा, तो हम लोग का बोलिए में काउंसिल में जो हम लोग भेजा है काउंसिल का दर्जा, हम लोग उनका दर्जा तो नहीं खुल के हम लोग उनको बंद करके रख दिया, इसलिए डेवलपमेंट भी कुछ भी लेके आने नहीं सका।
इसलिए हम लोग यही बार में भी फिर 5 साल हम लोग उनको तकलीफ कराया, काउंसिल को बंद करा बोल के, काउंसिल से अभी हम लोग उनको खुलाई की आराम से प्लीज नेक्स्ट में हम लोग इसको टिकट से हम लोग फिर जिताई के राहुल नायडू को और जिताई के भेजेगा, अच्छा से हम लोग उनको फिर वेलकम करना है, फिर आप राहुल नायडू को जिताना है, जिताना है। इनका कहना है कि काउंसिल के तरफ से राहुल नायडू को सहयोग नहीं मिला है इसीलिए वो यहाँ पे काम नहीं कर पाए, ऐसा इनका कहना है। और अभी मैं एक बार फिर इस तरफ से आता हूँ, कोई बताएगा क्या आप लोगों तरफ से कोई है बोलने वाला? सबसे पहले एनएस का मेरा मेरा तरफ से वेलकम और साथ में धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि यहाँ माहौर वासियों का पब्लिक के लिए, पब्लिक का आवास जो पब्लिक का सोच विचार जानकारी लेने के लिए आप लोग यहाँ आया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जैसे कि उन लोग जितना राहुल नायडू जी का जो सपोर्टर जो है वो बोलता है कि पावर नहीं मिला, ठीक है पावर नहीं मिला हम मानता है, फिर भी उसको पब्लिक ने जिताया है तो जिताने के बाद पावर नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन यहाँ वो यहाँ का एमईसी होने के बावजूद यहाँ में कोरोना का टाइम में जो लॉकडाउन हुआ उस वक्त वो कहाँ था और साथ में बीच में हम लोग का लैंडस्लाइड जो हुआ था वो कहाँ था, उनका जो जितना सपोर्टर है उसको आप पूछना चाहिए कि उस वक्त वो कहाँ था, अगर एमईसी माहौर का होते हुए वो कहाँ बैठा है, और साथ में यहाँ जितना भी वो बीजेपी से टिकट लेके उसको जिताया गया है और जीतने के बाद में वो पार्टी का साथ में रिलेशन है कि नहीं, क्यों नहीं पार्टी का साथ, जितना मंडल लेवल का साथ में क्यों रिलेशन नहीं है वो क्वेश्चन है, और साथ में यहाँ पावर लेना है तो काउंसिल टीम का साथ जोड़ना चाहिए था और क्यों नहीं जोड़ा गया वो, ठीक है मैं समझ गया हूँ। देखिए इनका खास तरीके से मैं एक बार बता देता हूँ, इनका कहना है कि कोविड के समय राहुल नायडू अपने जो लोग हैं माहौर के लोगों के पास वो नहीं थे और जो डिजास्टर हुआ था तब भी वो नहीं थे, राहुल नायडू तब कहाँ थे कोविड का टाइम पे, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? हाँ थैंक यू एनएच। अभी हम लोग का जो कोविड का टाइम का बाद में बोला, हम इतना कॉन्फिडेंस से बता सकता कि कोविड का टाइम में राहुल नायडू हम लोग का साथ में रहा, हम लोग हर गांव में विजिट किया, हर गांव में जितना सैनिटाइजर हो और फूड सप्लीमेंट जितना लगता हम लोग सब कुछ दिया है, बस वो बार हो गया कि काउंसिल में कोविड का टाइम में कितना फंड्स आया गवर्नमेंट से, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी सब दिया है, माहौर में बीजेपी की तरफ से हम लोग नहीं मिला, लेकिन हम लोग का राहुल नायडू से अपना पॉकेट से हर घर घर जाके हम लोग मास्क सैनिटाइजर जितना है खाना पीना सब कुछ हम दिया है। और उन्होंने बोला कि डीडीएमए का टाइम में वो रहा हम लोग का साथ में, हम लोग हर गांव में जिसका घर अफेक्ट हुआ, जिसका घर फ्लड से खराब हुआ उनका घर घर जाके हम लोग फाइनेंशियल हेल्प भी दिया है, और डीडीएमए में जितना डिस्ट्रिक्ट में फंड आया माहौर में जितना करोड़ जो सेंक्शन किया वो कहाँ में है अभी वो लोग जवाब दे सकेगा ना नहीं सकेगा वही बात है, लेकिन हम लोग अपना लेवल से पावरलेस है, लेकिन अपना पॉकेट से हम लोग सब मिलके सोसाइटी को लेके हम लोग काम किया है। और इस बार भी सीधा सीधी बात बोल देता है हम लोग का ओपन में जो हम नाम भी पहले सुना रहा पोरबिटा जो हो रहे वो कहाँ का भी हम लोग मालूम नहीं है, हम लोग का लोकल कैंडिडेट राहुल नायडू यहाँ का है, कहाँ से आके हम लोग को वो हम लोग को देखेगा ना या उसका ससुर बारी को देखेगा उसका ससुर बारी, ठीक है मैं पर्सनल किसी को जाने नहीं दूंगा, ये बात नहीं होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ एक बार, इनका कहना है कि जो राहुल नायडू ने या तो उनका टीम ने कोविड के समय भी काफी ज्यादा हेल्प किया है, अच्छा इसमें हम लोग माइजन जिताने वाला हम लोग है, माहौर गार्डन का गाबूरा जीबी का औरत है, हम माइजन को हम लोग जिताया है, अभी तक उसको नहीं मिला है चेहरा, सीएम से जो उनको टिकट दिया है हम लोग वोट भी करेगा झूठ भी करेगा, उसको मंडल में भी उसको चेहरा भी नहीं मिला, आज तक उसको चेहरा भी नहीं मिला है, हाँ इसमें तो झगड़ा नहीं है, शादी शुदा है 5 ईयर्स सॉरी जिंदगी भर, और शादी शुदा छू जिंदगी भर है, एमएलए इलेक्शन 5 ईयर्स है, तो जीता होगा तो हम लोग भी झूठ भी करेगा 5 ईयर्स और जिंदगी भर का सोचो, कौन छू हम लोग को काउंसिल में, कौन छू है हम लोग को गाँव में, कौन छू है हम लोग को स्टेट में, जो उसको सीएम से जो इसका करने वाला हम लोग को सपोर्ट भी करेगा जोर भी करेगा, आज में मौसम भी ठीक नहीं है, सता भी नहीं लेगा, हम
इसमें आज में जरूर से हम लोग उनका सीएम से जो उनको टिकट दिया है हम लोग को सपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। हाँ, सपोर्ट करेगा। तो चले, उनका कहना है कि टिकट जिसको मिलता है उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर अगर टिकट महाजन को मिल गया, फिर महाजन टिकट मिलेगा तो जो उनको सीएम से टिकट देगा जरूर करेगा। महाजन भी बोलो, हम लोग उनको जोहरी भी बोलो, जो हम लोग टिकट जो मिलेगा करेगा। नहीं नहीं, आज हम लोग इतना मौसम खराब में है, हम लोग आके लेकिन हम लोग झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, बीजेपी बीजेपी है, इधर महाजन है, इधर नंदिता रोबिता ना, लेकिन हम लोग झगड़ा नहीं करेगा। आज में हम लोग तो पसंद करता है, टिकट मिलने के लिए आसरा करता है प्रोबिता मैडम छू ना, फिर सीएम सर से भी उसको जरूर देगा टिकट ना, हम लोग मानता है। इसलिए महाजन तो हम लोग सपोर्ट करा, आगे में हम लोग वोट करा, उसको भी जिताया, लेकिन भी आज तक उसका चेहरा एक बार भी नहीं देखा हम तो। हाँ, एक बार भी नहीं देखा, महूर में भी आया नहीं है ना, इसीलिए हम लोग कैसे उसको सपोर्ट करेगा। हम लोग तो प्रोबिता जोहरी टू सपोर्ट करता है, उसको सीएम सर से भी टिकट देगा। और अगर अगर महाजन को टिकट मिला, राहुल टिकट महाजन नहीं मिलेगा, मिलता है तो क्या होगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, मिलता है तो वोट तो देगा, नहीं नहीं देगा। सीएम मिलेगा बोला, नहीं मिला है, नहीं मिला है। लेकिन उसको ना अभी तो उठो एमएससी है, काउंसिल में भी उसका पार्टी में भी शामिल नहीं है ना, फिर मंडल में भी शामिल नहीं है, तो हाँ हम लोग कैसे सपोर्ट करेगा ना उसको, चेहरा नहीं मिला तो। तो चले, इनका कहना है कि पांच साल में मैं आ रहा हूँ, एक बार मैं आ रहा हूँ, पांच साल में जो राहुल लाइडिंग है उनको इन लोगों ने देखा ही नहीं इलेक्शन जीतने के बाद, ये इनका कहना है, कौन जवाब देगा? अच्छा, 2019 में राहुल लाइडिंग टिकट लेके बीजेपी लेके आया, हम लोग जिताई दिया, एमपी में भी जिताई दिया, एमएलए में भी जिताई दिया, लेकिन राहुल लाइडिंग को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बाहर में रख दिया, इसलिए महूर बीजेपी पार्टी अभी तक दीप में रहता है, दिबला में भी नहीं मिला, तो भी राहुल लाइडिंग को अभी हम लोग जिताएगा, फिर भी जिताई देगा, हम लोग का। हम लोग राहुल लाइडिंग को जिता दिया, लेकिन सीएम सर ने हम लोग को मोर एरिया में उसके लिए काम कुछ भी नहीं दिया, इसके लिए हम लोग दिल में दुख है। और अगर राहुल नादिंग को सीट नहीं दिया तो और कूट आके काम करना चाहिए था, नहीं किया, इसके लिए दिल दुख की बात है। अभी भी राहुल नादिंग अगर टिकट मिलेगा तो फिर उसको भी फिर जिता देगा हम लोग, ये बात है। टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? टिकट नहीं मिलेगा, जिन टिकट मिलेगा उसको जिता देगा हम लोग, बीजेपी क्या, बीजेपी यही है। देखिए, यहाँ पे बात, यहाँ पे मुद्दा दरअसल वही है, बीजेपी का दो गुट है यहाँ पे, कांग्रेस का कोई है क्या? कांग्रेस का कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ एक बार, बीजेपी का ही दो गुट है और बीजेपी का आपस में, हालांकि बीजेपी है ये लोग और टिकट जो मिलेगा टिकट उसी को जिताएगा। यार, राहुल लाइडिंग के बारे में यही बात हो रहा है, लोगों का मन में यह है कि राहुल लाइडिंग को काउंसिल के तरफ से सहयोग नहीं किया गया, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। मैं एक बार यहाँ पे फिर आता हूँ, कौन बताएगा? एनएच को बुलाते हैं, हम लोग का नमस्कार। तो हम लोग का माहौल में जो कितना पाँच साल झुन बुन में गया, पंद्रह साल हो गया, लेकिन महाजन का तो पाँच साल हो गया, लेकिन अभी भी महाजन तो मंडल में था सही ना, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में था सही ना, काउंसिल टीम से भी था सही, तो कुछ था नहीं है। अभी देखो पाँच साल में कितना माहौल में हम लोग आगे में टिकट लेके आया, हम लोग जिताया अच्छा से, एम भी मिला, तो भी हम लोग एक टिकट भी नहीं माहौल में नहीं आया, अभी तो मिला नहीं, नहीं नहीं एम एस सी है ना, एम एस सी होने से भी हम लोग नहीं भी मिलता, अभी तक नहीं मिला, अभी चेहरा नहीं मिला हम लोग, अभी मंडल से था सही ना, इतना क्या में था सही, कुछ था नहीं है, इसलिए महाजन को हम जो नहीं लगता हम लोग, और नहीं लगेगा हम लोग, महाजन टिकट मिलने से भी नहीं जिताएगा, महाजन टिकट मिलने से भी ऐसे ही होगा हम लोग पाँच साल जुर्म पाँच साल जाएगा, महाजन टिकट मिलने से भी आप लोग नहीं जिताएगा। देखिए, इनका कहना है कि खास तौर पे इनका ये कहना है कि पाँच साल में इन्होंने महाजन जो राहुल लाइडिंग है उनको इन्होंने देखा ही नहीं, और इसीलिए आप अगर टिकट मिलता भी है तो वो नहीं जिताएंगे। कौन जवाब देगा? आप कुछ बोलेगा क्या? थोड़ा सा बोलिए। आप बोलो। सबको एनएस को नमस्ते। मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो पांच साल से यहाँ अभी पहले जो बीजेपी जीत के गया है वो तो अभी मतलब वहाँ में अगर पावर नहीं दे रहा है तो यहाँ गाँव वालों में जितना प्रॉब्लम हो रहा है वो देख रहा है, लेकिन अभी अभी देखिए हमारे यहाँ में बीजेपी तो सब बीजेपी है, अभी टिकट मांगने वाला तो तीन चार आदमी तो है,
पर यहाँ जो औरत भी टिकट मांग रहे, मैं भी तो औरत है लेकिन वो तो बाहर की है, बाहर की है। यहाँ हम ही मालूम नहीं, अभी लास्ट दिसंबर को मैं भी जो ज्वाइन हुआ था लेकिन मैं भी तो पहले से पता नहीं था उसको, लेकिन अभी जब आया तो अभी तो मतलब यहाँ हम ही मालूम है। तो यहाँ डिमासा हावी है लेकिन जितना नॉन डिमासा बोल लो वो लोग अभी नहीं पहचाने हैं। कल परसों यहाँ बोट ट्रांसफर करने से यहाँ का नहीं हो सकता है। और देखिए ऐसा वो अभी वो मतलब मैं समझ गया आपके बात। उनका कहना है कि जो इस तरफ का जो कैंडिडेट है वो दरअसल बाहर का है, ये लोग जानते नहीं है यहाँ पे, और अभी उस उनको यहाँ पे किस तरीके से वोट दे, क्योंकि वोट देने के बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे आए नहीं, काम ही ना करे, क्या बताएगा आप? गुड इवनिंग। और सबसे पहले जो उसने बोला है बाहर का है, लेकिन लड़की जो चीज है औरत चीज है, वो औरत का दो घर होता है लाइफ में, औरत का दो घर होता है। कोई क्या बाहर से जो हम यहाँ का लड़का है तो बाहर से शादी करके यहाँ में लेके आएगा तो वो लड़की भी यहाँ का हो जाता है, माहौर का हो जाता है, वो लड़की डिमरा का हो सकता है, मगर यहाँ पे शादी किया है और यहाँ का शादी किया है तो उसका घर यहाँ पे भी हो गया, तो वो भी बाहर का नहीं, वो यहाँ का लोकली है, उसका वोटर भी मुठेरिया पोलिंग में है, चेक कर लीजिए अभी। तो यहाँ कैसे बाहर का हुआ? और अभी इस बार पाँच साल जो राहुल नायडू जी ने जीत के गया उसका बारे में हम लोग का यहाँ में डेवलप तो कुछ हुआ ही नहीं, और कैसे काउंसिल में क्यों बोले नहीं सका? सीएम का टीम का साथ एक साथ नहीं है, काउंसिल टीम मिनिस्टर टीम का साथ एक साथ नहीं, मिलजुल नहीं है, इसी बोले नहीं सका। तो अभी इस बार प्रोफेसर जौहरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट से उसका भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है और यहाँ पे बहुत काफी विजिट किया है, तो उसको हम लोग इस बार हम लोग प्रोफेसर जौहरी को जिताएगा यहाँ माहौर से बीजेपी में। एक बात जो इनका कहना है, मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, इनका कहना है कि माइजन को जो राहुल नाइटिंग है उनको दरअसल जो काउंसिल टीम है उन्होंने सहयोग नहीं किया, हेल्प नहीं किया, इसीलिए वो काम नहीं कर पाए, क्या बोलेगा उसका बारे में हम क्या बोलेगा उसका बारे में? तो आप माहौर का जनता भी सब देखा होगा है, उसका न्यूज वायरल पूरा हो गया है, यहाँ में टाउन कमेटी भी जल गया टाउन कमेटी जला दिया उसका 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 तरफ से हो गया, वो भी खुद वो भी शिकर किया, हमारा आदमी है, वर्कर है बोल के, और MLA का वीडियो वायरल हो गया है, तो NTBGP में जो मटेरियल कहाँ पे मतलब कैंपिंग किया NTBGP में, हाँ, हाँ, तो चलिए ठीक है। तो इनका कहना है कि NTBGP एलिगेशन है राहुल नाइटिंग के ऊपर, कौन जवाब देगा अब? NTBGP उनका बोलना है कि राहुल नाइटिंग NTBGP का काम क्या है आपका? वो तो पहले तो मैं तो मतलब वो रोलिंग में था, मैं तो लास्ट December 31 में ज्वाइन हुआ था सर, तो मैं तो इतना तो जानकारी है। कौन जवाब देगा इस बात का? नहीं, कौन जवाब देगा? हाँ, 2019 में MDC इलेक्शन जब हुआ था तो माहौर का लोगों ने उन्हें चुना गया था, तो उसमें सब मिलकर ने उसको जिताया, तो जिताने के बाद क्या हुआ, उनको कुछ काउंसिल में कुछ चार से नहीं मिला था, तो उसके वजह से माहौर अभी दुखे जा रहा है। तो इस बार राहुल फिर हम लोग को प्यार है, तो उसके वजह से हम लोग अभी राहुल का साथ में है, तो राहुल की हम लोग को जरूरत है, इसलिए हम लोग उसको जिताना भी पड़ेगा, आप लोग जिताएगा, ठीक है। अब इनका कहना है कि राहुल नाइडिंग को दरअसल काउंसिल की तरफ से जो सहयोग नहीं मिला, जो सबसे बड़ा बात ये लोग बता रहे हैं कि काउंसिल की तरफ से सहयोग नहीं मिला इसीलिए काम नहीं कर पाए, इसलिए उनको 5 साल का और मौका देना चाहिए, 5 साल इनको और जिताना चाहिए, ऐसे इन लोगों का कहना है। एक बार आप लोगों की तरफ से कोई और बताएगा क्या, इस तरफ कोई और है? हाँ, कोई बताएगा क्या माइजन राहुल नाइडिंग का? हाँ देखिए, हम लोग का ये माहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो राहुल को टिकट मिलना चाहिए, और दूसरा टिकट मिलेगा तो टिकट जरूर मोड़ेगा, हम ये विश्वास करके बोलता हूँ, ये 100% है, 100% है। इसलिए ये जो मार लोग बोलो, कुकी लोग बोलो, और ये नागा बोलो, सब यहाँ में सब मिलजुल के आया है, सब लोग आए राहुल नाइडिंग को जिताने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दरअसल BJP का ही 2 गुट है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात का जो माहौर वासी है, जो माहौर के लोग है, उनको बहुत बहुत थैंक्स देना पड़ेगा NH की तरफ से, कि देखिए कितना बारिश हो रहा है और बारिश में भी सारे लोग यहाँ पे सब जमे हुए हैं सिर्फ इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए और NH का कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पे देखा जा रहा है कि दरअसल BJP का ही 2 कैंडिडेट की तरफ से यहाँ पे बात हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि राहुल नाइडिंग ने दरअसल यहाँ पे NTBGP का काम किया है, कुछ लोगों का कहना है कि 5 साल उनको मौका नहीं मिला है, कौन बताएगा?
जी मुझे बोलना है कि हाँ 5 साल से जो राहुल नाइडू ने जो टिकट मिलके आ रहा है ना उनको, पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ हम लोग का बस्ती में। हाँ, ना ब्रिज मिला है, हमेशा वादा करता है कि वोट लेने के लिए आता है, पर उन लोगों का कुछ काम दिखता ही नहीं। हम लोग का सर बस्ती में रास्ता भी नहीं है और ब्रिज भी नहीं, अभी नदी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग का रास्ता लेके खाने के लिए भी इतना दिक्कत होता है। माइग्रेंट दिशा का है, बीमार होता है तो आदमी को जैसे 4 आदमी कंधा पे चढ़ा के उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, इतना प्रॉब्लम है सर हम लोग का गाँव में। हम लोग तो वोट तो दे रहे हैं, हम लोग बीजेपी, हम लोग का अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग का बस्ती में क्या है कि रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है, स्कूल नहीं है। हम लोग स्कूल पढ़ाने के लिए माहौर में आधा फैमिली आके माहौर में बैठ के बच्चा को स्कूल पढ़ाना पड़ता है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का गाँव में। कम से कम वो भी देखना चाहिए ना सर हम लोग के लिए भी। तो आपको कहना है कि जो राहुल नाइडू है वो आप लोगों का गांव की तरफ देखता भी नहीं, देखा नहीं है सर, मतलब वोट लेने के लिए नहीं नहीं जो पार्टी हो या ये पार्टी हो, दो जो ही पार्टी हो, लेकिन हम लोग का गांव कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग इलेक्शन में, क्या करना है इस बार? चेंज, इस बार चेंज करना है। चेंज के बाद भी अगर काम नहीं हुआ फिर क्या करेगा? चलिए, तो इनका कहना है कि जो जो राहुल नाइडू है उन्होंने काफी एरिया में काम नहीं किया है, लोगों को वो मिलते नहीं है यहाँ पे, और ये कहना है। लेकिन एक तरफ का जो लोग है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग है, मेरे सहयोगी एक बार आपको दिखाएंगे, देखिए ये सारे लोग दरअसल राहुल नाइडू के सपोर्ट में है, और इस तरफ जो है वो अलग जो कैंडिडेट है। हाँ, कुछ बोलना है क्या? बोलिए। सबसे पहले तो इनेस का धन्यवाद मेरे तरफ से। तो मैं कहना चाहूँगा कि माहौर बच्चे को सब अलग अलग हम लोग नहीं सोचता, सबको एक सोचता है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि माहौर के जितना लोग है सब भाई भाई है सब। अभी जस्ट इलेक्शन का समय है, बोलते हम लोग कोई एक आदमी एक आदमी हो रहा है, लेकिन भी देखिए हाँ है तो बीजेपी सरकार ये सब, लेकिन भी अभी देखिए हम लोग को बीजेपी से पहले हम लोग राहुल नाइडू को जिताया, टिकट टिकट लेके जिताया था, लेकिन वो काउंसिलर के साथ मिल नहीं है। हम पहले कहना चाहूँगा कि हम लोग को दिमाशो पहले में क्या था और अभी क्या है वो सबको पता है। दिमाशो पहले जंगल था, हम लोग बहुत बेगवाट था, लेकिन अभी सीएम सर देवलाल गौरव सर आने के बाद दिमाशो किससे हुआ क्या हुआ सब दिखा है, वो बनने की जरूरत जरूरी नहीं है। तो अभी हम लोग चाहता है कि सीएम सर के साथ जो मिलकर चलेगा, भारतीय का आइडियोलॉजी लेके चलेगा, उसको सर हम लोग जाएगा। ये आपका बात में समझ गया। आप मुझे भी बोलना है कि सिर्फ पहले में माइजन आया था तो उसको हम लोग पूरा पूरी सपोर्ट करा रहा, तो वो आने के बाद में वो पता नहीं क्या करा, वो सिर्फ सीएम का टारगेट करता रहा, तो उसको वो टारगेट करने के बाद में उसका भी फायदा ना हुआ तो पब्लिक का भी लॉस हो गया, क्योंकि वो ईएम उसको ईएम तक नहीं मिला। अभी फिर जीतेगा, फिर वो ऐसे करेगा तो हम लोग का क्या फायदा होगा, वो चीज तो बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि जो काउंसिल के साथ जो मतभेद है, जैसा लोग बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, काउंसिल के साथ जो मतभेद है उसकी वजह से राहुल नाइडू को यहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका कहना है कि एक बार फिर से जीत जाए तो फिर से अगर मतभेद हो तो फिर क्या होगा, आप क्या बताएगा? सर एक ऐसा है, राहुल नाइडू को हम लोग जिता दिया, फिर भी सीएम सर ने उसको काम नहीं दिया तो उसको कैसे कुछ काम कर सकेगा, ये मेन बात है। वो अगर कुछ उसको सीट नहीं देगा तो कुछ आके मौर एरिया पे काम करना चाहिए था, लेकिन वो तो कुछ आके काम नहीं किया। ये तो आपने बताया, पहले भी बताया। इनका कहना है कि जो हाँ बताइए। नमस्ते। अच्छा, ये बोले मंगता हमको माहौर के लिए, तो माहौर में जो ऐसा क्रिटिकल है जो हमें सब जाति है, बहुत सारे जाति होता है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मतलब हैंडल करेगा होने से, तो हम लोग का राहुल नाइडू है सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो लड़की जो आया बोला उसका नाम तो हम भी मालूम भी नहीं है, आज पहले बार सुना है, वो नया चेहरा भी नहीं दिखाया आज तक, इसलिए उसको तो हमारे हिसाब से तो कुछ ये सब नहीं खोर के माहौर में जबरा नहीं खोर के आराम से हम लोग बीजेपी को जिताएगा, मतलब यहाँ में राहुल नाइडू को, तो दूसरा थर्ड पार्टी लो आकर सब नहीं खोने से पहले अच्छा रहेगा। बोल के राहुल नाइडू जीतेगा आपके हिसाब से? कितना परसेंट श्योर है आप राहुल नाइडू जीतेगा? वो
90% जो नहीं उठते 100% 100% पूरा श्योर 100% श्योर है। टिकट मिला नहीं मिला फिर भी मिलेगा। टिकट तो श्योर मिलेगा, आराम से मिलेगा। अरे अभी श्योर मिलेगा, सॉल्व मिलेगा। आज में हम लोग ही जिताया, हम लोग अभी भी जिताएगा, 100 जिताएगा। तो आपने सुना कि यहाँ पे राहुल लाइडिंग के सपोर्ट में काफी सारे लोग हैं। मैं देखता हूँ अंदर कोई है क्या बोलने वाला। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा बात। इन 5 सालों में हम लोग ने कुछ भी डेवलप नहीं मिला है महूर एरिया में और हमारे गांव में भी, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार में हमारा गांव की महिला की तरफ से हम लोग भी प्रविता जोहारी को सोंगबुंग महूर सोंगबुंग। अच्छा, डेवलप नहीं मिला इसलिए राहुल नाइटिंग को नहीं जिताने। ये भी है प्रविता तो अभी हम लोग के लिए रास्ता भी बनाई के लिए, अभी हम लोग प्रविता को पसंद है। ठीक है, आपके लिए काम कर दिया। गुड इवनिंग एनएस, माहौर वासियों का आवाज़ आज माहौर वासियों का आवाज़ यही है कि पहले जो लास्ट 5 साल में जो हम लोग ने राहुल राइडिंग जी को जो जिता के यहाँ से भेजा था, अभी ये पब्लिक का तो इशू नहीं है, वो तो ऊपर का इशू है, वो तो उनको जानना चाहिए था। ये तो पब्लिक तो 5 साल हेरसमेंट खाया ना, वो तो पब्लिक के लिए लॉस है। अगर आने वाला दिन में भी अगर हाई लेवल में उसका अगर तालमेल अगर सही नहीं रहेगा तो फिर माहौर का जनता कहाँ जाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया माहौर पे, इसीलिए हम लोग चाहते कि आने वाला समय में हमारे ऑनरेबल सीएम सर, हम लोग का ऑनरेबल भवेश कलिता सर और हम लोग का दिमाग चौके सीएम सर को अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार श्री पवित्र जौहरी जी को जो पहले वहाँ बोला था पवित्र जौहरी को मालूम नहीं, नाम भी मालूम नहीं, बोले सुना था। तो पवित्र जौहरी डिस्ट्रिक्ट का महिला का प्रेसिडेंट है बीजेपी का, तो क्यों मालूम नहीं होगा? किसे मालूम नहीं होगा? अगर वो बीजेपी का है तो किसे मालूम नहीं होगा? यहाँ पे देख लीजिए किस तरफ में आदमी जाता है, वो आप थोड़ा अनुमान कर लीजिए। इस साइड से और इस साइड से आप पहले देख लीजिए कितना बात। ठीक है ठीक है, बात यहाँ देखिए एक चीज है, आदमी ज्यादा और कम ये तो समय का बात होता है, लेकिन आगे देखना होगा कि टिकट किसको मिलता है। मैं इस प्रोग्राम को ज्यादा लंबा और नहीं खींचूंगा क्योंकि बारिश काफी हो रहा है और लोग काफी ज्यादा भीग चुके हैं जो मैं देख रहा हूं। एक बार लास्ट कमेंट में इस तरफ से किसी का लेना चाहूंगा अब। हाँ नमस्ते इंदिश, तो अभी सबका भी दोनों गोट का सबका भी बात सुना है, तो कुछ कुछ बात डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट नहीं हुआ इसका भी बात निकला है। तो 5 साल से एमएसए होने के बावजूद यहाँ में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये तो सही बात है, वो लोग भी बोल रहा है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ ये तो सब मालूम है, क्योंकि हम लोग पावर नहीं मिला है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं रखा गया है और पार्टी का साथ में रिलेशन नहीं है, वो तो देखने में हम लोग मालूम होता है। अभी हम लोग का स्टेट का हम लोग का असम स्टेट का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा जी और स्टेट प्रेसिडेंट भवेश कलिता जी और हम लोग का लोकल गार्जियन मिनिस्टर अनिता गलसा जी सबका साथ में हम लोग मिलके है, हम लोग का एमएससी जो मिलके है। अभी ये सब तो ज़्यादा बोलने का तो जरूरत नहीं है, टिकट जिसको मिलता है उसको ही सब ये जाएगा, बीजेपी का ही बोल जाएगा, बीजेपी कांग्रेस का तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो अभी उस तरफ से जो बोल रहा है वो तो अगर बीजेपी को टिकट उन लोग का तरफ से नहीं मिलता है तो वो लोग इंडिपेंडेंट में भी जा सकता है, लेकिन हम लोग तो श्योर है, हम लोग बीजेपी टिकट मिलेगा बोल रहे हैं, श्योर है बीजेपी का टिकट मिलेगा। तो चलिए इनका कहना है कि श्योर है ये लोग बीजेपी का टिकट जैसे भी इनको मिलेगा। मैं लास्ट एक कमेंट आप लोगों की तरफ से लेना चाहूंगा, एक बार बोलिएगा, बोलिए पहले बोलेगा आप लोग। हम अभी अभी आप लोगों ने इधर में बीजेपी के लिए कैंडिडेट खोजने आ रहा है ना, वो खोजने आ रहा है तो आप लोग क्यों बोल रहा है, क्यों इधर में अलग अलग से क्यों बोल रहा है, वो बोलना नहीं चाहिए। पहला चीज वो हो गया, आप लोग लीडर लोगों भी बोल रहा है कि मेरा अलग है वो अलग है वो अलग, तो बीजेपी सरकार क्या बीजेपी है, अलग नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया आपके बात, नहीं नहीं मैं समझ गया आपके बात, समझ गया। इस पर माहौर का जो बीजेपी का टिकट जो है हम लोग का प्रवक्ता जौहरी लेके आ रहा है 100% टिकट लेके आ रहा है और हम लोग हमें 100% जिताएगा।
ठीक है, मैं आप यहाँ पे मुझे खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा माहौर भी देखो दिमाशा, यहाँ पे दूसरा जगह कुटुसी जैसा नहीं है। यहाँ में हमारा माहौर में यहाँ में सीनियर आदमी अगर टिकट मांगना चाहते हैं तो सीनियर आदमी को देना चाहिए, वो है अभी नॉन दिमाशा भी उसको चुना है और सूरज नैजिंग को ही चाहिए। यहाँ पे नॉन दिमाशा पर दिमाशा सूरज नैजिंग को ही चाहिए। यहाँ पे उसको पहले वाला जो एसटीसी का टाइम से वो एमएससी बांध के गया है उसको ही जानता है, उसको देने से अच्छा होगा टिकट सूरज नैजिंग को। यही के लिए मैं बोलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे और एक कैंडिडेट आ रहा है, यहाँ पे सूरज नैजिंग का बात आ रहा है। हाँ बोलिए। और भाई वो उन लोग बता रहे हैं कि राहुल नाइटिंग जो हम लोग का प्रेजेंट एमएससी है तो उसको उन लोग इलेक्शन ऐसे लगा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं किया वो बता रहे हैं, क्योंकि अरुण बोलिए, टीएम किशन बोलिए, जो भी आईना प्रॉब्लम बोलिए, हाँ उसका बात कोरोना का समय बोलिए, हर गाँव गाँव में जाके मदद किया है राहुल नाइटिंग जी। कोरोना का अरुण बोलिए, हर गाँव गाँव में मिला है, पूरे गाँव गाँव से कलेक्शन करके सभी का, मतलब कोई किसी का ऑब्जेक्शन ना करते हुए सभी दिलाया है माहौर में, जो स्टेज से आना है और जैसे कि जल जीवन मिशन जो है वो भी मिल रहा है माहौर में, और बाकी जो नहीं मिल रहा है वो काउंसिल से प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम है काउंसिल का। मैं समझ गया यहाँ पे, मैं इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप मैं यहीं पे इसको खत्म करूंगा मेरा कार्यक्रम को, और आप लोग देखते रहे एनएच। और लेकिन आज जिस तरीके से मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि माहौर के लोगों ने जिस तरीके से सहयोग किया एनएच को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिश की वजह से इस प्रोग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे कट शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों ही गुट या तीनों ही गुट अगर मैं कहूँ, क्योंकि अभी सूरज नैजिंग का भी एक बात आ रहा है, तो तीनों ही गुट का अगर मैं कहूँ तो बीजेपी का है, और यहाँ पे सारे लोग एक्चुअली बीजेपी का है, और कांग्रेस का यहाँ पे कोई और अभी फिलहाल नहीं है, इसीलिए मुझे ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि टिकट किसको मिलता है और आखिर में जीत किसका होता है। तो आप देखते रहिए एनएच और हमारा ये कार्यक्रम द वोटर्स वॉइस, देखते रहिए। धन्यवाद। Yeah!